तो पहला क्वेश्चन है संत पीपा की छतरी कौन सी नदियों के संगम पर है पहला ऑप्शन है व आहू नदियों के संगम पर दूसरा ऑप्शन है काली व मेनाल नदियों के संगम पर तीसरा ऑप्शन है आहू व शिव नदियों के संगम पर चौथा ऑप्शन है डाइव मेनाल नदियों के संगम पर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालीचिंद व आहू नदियों के संगम पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से किले पर हुआ था ऑप्शन है भरतपुर का किला गागरोन का किला अजमेर का किला जालोर का किला तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर का किला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है आगरा का किला व ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज कब घोषित किया गया ऑप्शन है उन्नीस सौ बयासी उन्नीस सौ ते उन्नीस ऑप्शन नंबर बी उन्नीस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है ऑप्शन है पहला दूसरा पांचवा और सातवा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति बाद में प्रथम सूती वस्त्र मेल निम्न में से कौन सी है ऑप्शन है सूरत ब्यावर कोटा और अलवर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोटा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राधा है ऑप्शन है गौरीबाई मीराबाई रिममा दत्त सीमा मिश्रा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीराबाई देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है ऑप्शन है कैलाश चंद्र पी के बनर्जी दीपक वर्मा ऑप्शन चार है के के वर्मा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार के के वर्मा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है ऑप्शन है जयपुर जोधपुर कोटा और बीकानेर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मैदान खंड उत्तर पश्चिमी मैदान खंड उत्तर पूर्व मैदान खंड दक्षिण पूर्व मैदान खंड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिमी मैदान खंड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य है पहला ऑप्शन है किन्नु मंडी श्रीगंगानगर जीरा मंडी जोधपुर लहसुन मंडी अजमेर इस मंडी जालोर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लहसुन मंडी अजमेर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह देते सवाई जय सिंह अबे सिंह शिवाजी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 13 दिसंबर 1946 3 जनवरी 1930 इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेरह दिसंबर उन्नीस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की द्वारा किस भाषा में प्रशस्ति को पच्चिस हिला, पच्चिस पर खुदवाया गया ऑप्शन है हिंदी फारसी संस्कृत इंग्लिश तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत बात करते हैं अगले क्वेश्चन की देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहा की गई ऑप्शन है देवारी उदयपुर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ बिछवाल बीकानेर बाडला जोधपुर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाडला जोधपुर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की निम्न में से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑप्शन विंडो एट विंडोज सेवन यूनिक्स और उपयुक्त सभी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऑप्शन है विंडोज लिनक्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओरकल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है ऑप्शन डॉट डी ओ एक्स ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की रिडो की शॉर्टकट की है ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस वाई कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस आर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गूगल एक प्रकार का है ऑप्शन है सर्च पेज सर्च इंजन ब्राउजर वेब फाइंड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की एम एस पावर पॉइंट दो हजार दस में बाई डिफॉल्ट जूम साइज है ऑप्शन है दस परसेंट सौ परसेंट गुणंतर परसेंट और गुणासी परसेंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणंतर परसेंट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है ऑप्शन है पेरिफेरल क्लिफ आर्ट बुक मार्क तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लिप आर्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं ऑप्शन है बत्तीस एक बारह और आठ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आठ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस भाषा में लिया जाता है ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड पढ़ने है तो डेबिट कार्ड पढ़ने है तो कर्मचारी की आईडी को सूचना पढ़ने है तो ऑल ऑफ द अब तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है ऑप्शन है कीबोर्ड, वीडियो, स्कैनर, पॉइंटिंग तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है ऑप्शन है जैसलमेर टोंक, कोटा जयपुर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है ऑप्शन है जैसलमेर डेगाना खेतड़ी और पलाना तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेगाना अगला क्वेश्चन देखते हैं ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है ऑप्शन है नागौर गागरों झालावाड़ दुदु जयपुर सरवाड़ा अजमेर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरवाड़ा अजमेर अगला क्वेश्चन है शिव व नाथों की क्षत्रियों में पदचिन्ह बने हैं ऑप्शन है, है शिवलिंग नंदी खड़ाऊ और उपयुक्त सभी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जहाँ जिस जिस पर आपको फ्री में प्रैक्टिस के लिए यह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी अन्यथा इसके लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद